जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट, और जो सेंटअप एग्जाम आपका हुआ है मैथमेटिक्स का, लगभग बहुत सारे लोगों का एग्जाम हो गया है, कुछ लोग का भी एग्जाम नहीं हो पाया है, ठीक है। और बहुत सारे लोग हर बार में बहुत सारे गलती आंसर जो है गलत ही आपको बता दिए। धरफर के काम अकन पट्टी में सिंदूर, वही कंडीशन हो गया है, ठीक है। आइए, देर लेकर आए हैं, दुरुस्त लेकर आए, ठीक ना, एकदम हॉट ट्रिक के साथ। ऐसा नहीं कि वही गांधी जमाने वाला चल रहा है, इसे बनाइए, नहीं, हॉट ट्रिक के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर आए हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो जिनका एग्जाम हो गया है वो मिला लेंगे, और जिनका एग्जाम होने वाला है उनके लिए सोना पे सुहागा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हम धरफर में एक दिन ना लेके आ जाएंगे सब, 50 क्वेश्चन आज, फिर 50 क्वेश्चन बिहान, ठीक है। 100 क्वेश्चन है ना, 50 गो आए या 50 को फिर कर ले, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्टिव, 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय, सब पूरा कंप्लीट 2-3 पार्ट में अच्छा से, ठीक है। हर बार ना एकदम आराम से, ज़्यादा धरफराए के जरूरी ना है, ना तो धरफर के ब्याह कनपट्टी में सिंदूर डाल देना, आप बाद में कहना कि तो हमारा ब्याह हो गया ना, तो कहेगा ना तोहर कहाँ ब्याह हुआ था, तो सिंदूर डाला कहाँ था, ठीक से कनपट्टिए में डाला था, तो ब्याह करो ठीक से, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत है, जो 100 ऑब्जेक्टिव और 60 ऑब्जेक्टिव वाला जो है आपका ये मामला चल रहा था, इसमें बहुत सारे विद्वानों का अलग अलग मंतव्य है, जो हमारे वीडियो के नीचे कमेंट भी किए हैं, ठीक है, उनका भी जवाब हम देने का प्रयास किए हैं, ठीक है, उसका भी वीडियो जाकर देख लीजिएगा, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मंतव्य है, अलग अलग प्रकार की बातें हैं, ठीक है, कि बोर्ड एग्ज़ाम सही है, आप गलत हैं, आपको मालूम नहीं है, फलना पर बहुत सारी जानकारी, जो लोग मतलब अपना जानकारी जो है कमेंट बॉक्स में उड़ेल रहे हैं। कुछ लोगों का जवाब देने का उचित हम समझे कि आप जवाब देना चाहिए, तो कुछ लोगों का जवाब दिए भी हैं और आगे कुछ लोगों का जवाब देंगे भी, ठीक है। यदि बच्चों के साथ अहित होगा तो हम बोलेंगे ही बस, ठीक ना, क्योंकि हम पहले ही बता दिए हैं कि डरते तो किसी के बाप से नहीं है, ठीक है, बस इतना ही बात समझ लीजिएगा, बोलेंगे निश्चित तौर पर, ठीक है। एक बड़े पढ़े लिखे लोगों का कमेंट था नीचे, उनका जवाब हम अभी भी दे देते हैं। वो कहे थे कि शायद आपको मालूम नहीं है कि ये जो एग्ज़ाम है प्री एग्ज़ाम, इसका मतलब क्या होता है, हम उन्हीं से पूछना चाह रहे हैं। यदि वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट किए होंगे तो उनको जानकारी भी होगा, यदि वो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो उनको हम बता देना चाहते हैं, है ना। पहले वो लिखे क्या है, वो कहते हैं कि ये जो प्री एग्ज़ाम होता है ना, हमेशा पिछले साल वाला एग्ज़ाम को फॉलो करता है, यानी 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका उसी टाइप से क्वेश्चन 2022 के टेस्ट एग्जाम में पूछेगा, 2023 के अनुसार नहीं पूछेगा, ठीक है। तो 2020 में एग्जाम हुआ था 60 गो वाला के, ठीक ना, तो 2020 में जब 60 गो वाला एग्जाम हुआ था और 2021 का फाइनल एग्जाम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का था, तो 2021 का टेस्ट एग्जाम जो हुआ था वो 100 ऑब्जेक्टिव वाला हुआ था, शायद आपको जानकारी नहीं है, पहले जानकारी रख लीजिए फिर बताइए आप, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे हम, ठीक ना, बच्चों के हित में बात कीजिए, फालतू बात नहीं कीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए बात करते हैं इधर, हाँ, यदि नहीं बोलना है मत बोलिए, चुप हो जाइए ना, चुप हो जाइए, चूड़ी पहन लीजिए, ज़्यादा ठीक रहेगा, लेकिन यदि बोलिए तो बच्चे के हित की बात बोलिए, ठीक है, जो उसके हित में होगा वो बात बोलिए आप, बच्चों के सपोर्ट कीजिए, बच्चों का सपोर्ट कीजिए, ये बात हम आपसे कहना चाह रहे हैं। आइए क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला सवाल डी ई के पावर 3x, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है, बटा में dx, देख बाबू हम बताए थे कि ई के पावर वाला जो फंक्शन होता है, ठीक है ना, ई के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों होता है, ज्यों का त्यों, तो ई के पावर में 3x है तो 3x लिखेंगे, लेकिन एक बात और आपको बताए थे कि x के साथ में जो कांस्टेंट रहेगा ना, उस कांस्टेंट को आगे में लिख देना, आपका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, हाँ, x के साथ में जो कांस्टेंट रहेगा उस कांस्टेंट को आगे में लिख देना है, आपका डिफरेंशिएशन बन जाएगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका
थ्री इंटू ई के पावर 3x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए दूसरा सवाल, क्वेश्चन ऐसे ऊपर आपको दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा। दूसरा सवाल क्या है कि डी साइन एक्स बाई टू बटा में डी एक्स। ठीक है, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, कोणांक में जो है वो ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, जो है वो ज्यों का त्यों लिखना है। दूसरी बात कि यदि आप जो है कॉन्सेप्ट वाला वीडियो नहीं देखे, क्योंकि लगभग कॉन्सेप्ट हम बता दिए हैं, तो यदि आप कॉन्सेप्ट वाला वीडियो हमारा नहीं देखे हैं तो सब वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, ठीक ना, जाकर देख लीजिएगा। भले ही व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते जरूर हैं, ठीक ना, लेकिन डिजिटल बोर्ड वालों से कंटेंट कहीं ज़्यादा बेहतर होता है हमारा, समझ में आ रहा है। इसलिए कहा गया है कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परे रहन दो म्यान। फर्क क्या पड़ता है कि हमारा क्लास व्हाइट बोर्ड पर चलता है, डिजिटल बोर्ड पर चलता है? फर्क उससे नहीं पड़ता है, फर्क इससे पड़ता है कि आप सीख कितना रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कॉन्सेप्ट समझ कितना रहे हैं। ठीक है, हाँ जान लीजिए। चलिए देखिए, तो साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, ज्यों का त्यों रहेगा। अच्छा, जो कोणांक में है वो भी ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन एक्स के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है बस उसको आगे में लिख देना है, खाली बात खत्म हो गया। एक्स के साथ जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको आगे में लिख देना है, तो आपका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो देख सकते हैं साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, एक्स बाई टू है तो एक्स बाई टू, और एक्स के साथ कांस्टेंट है वन बाई टू, तो वन बाई टू को आगे में लिख देंगे, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा वन बाई टू कॉस एक्स बाई टू, जो कि आपको ऊपर दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, इसका आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, देखिएगा कॉस थ्री एक्स, क्वेश्चन नंबर तीन कॉस थ्री एक्स, डी कॉस थ्री एक्स बटा में डी एक्स। अब तो इसका आंसर आप लोग खुद ही बता सकते हैं, फटाफट से आंसर बनाइए ना आप सभी। एक एक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन यहां भी नहीं पड़ेगा जितना पढ़ा दिए हैं उसमें से, जिसका कॉन्सेप्ट हमने आपको नहीं बताया होगा। यदि आप हमारा पूरा का पूरा वीडियो देखे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया गया है, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। ठीक है, आप 100% क्वेश्चन का सोल्यूशन करके आएंगे, यदि 100 में 100 भी ऑब्जेक्टिव बनाना होगा तो आप बनाकर आ जाएंगे, और सबका अलग कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, जिससे कि एक भी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं जाएगा आपका, समझ में आ रहा है। देखिए, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। ठीक है, कोणांक में जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, लेकिन एक्स के साथ में जो कॉन्स्टेंट है उसको आगू में लिखेंगे ना, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस थ्री साइन थ्री एक्स। आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर तीन आपका है। अच्छा, यदि क्वेश्चन नंबर चार की बात करें हम, तो क्या कह रहा है कि डी टेन टू एक्स बटा में डी एक्स। फिर कोई बात नहीं है, टेन का डिफ्रेंसिएशन जो होता है ज्यों का त्यों, टेन का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर, एक्स के जगह पर टू एक्स है तो टू एक्स लिखेंगे, लेकिन एक्स के साथ में जो कॉन्स्टेंट है उसको आगू में लिखेंगे, डिफ्रेंसिएशन हो गया, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन आपका हो जाएगा, देख लीजिएगा, डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका कितना, टू सेक स्क्वायर टू एक्स। ठीक है, टू सेक स्क्वायर टू एक्स, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन पांच नंबर, देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन देखिए और बनाने का प्रयास कर लीजिए, और ये भी मिलाते चलिए कि आपने कितना सही बनाया है। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका है कि डी टू एक्स के पावर थ्री और बटा में कितना है डी एक्स, बटा में कितना है डी एक्स, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। देखिए दो तो कांस्टेंट है, तो ज्यों का त्यों लिखेंगे कांस्टेंट को, और एक्स के पावर तीन है तो ये होल पावर वाला हो गया फंक्शन, और होल पावर वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या बोले थे, पावर को आगू में लिखना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखना है, पावर में से एक कम कर देना है, तो तीन दूनी छ एक्स स्क्वायर, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा आपका छ एक्स स्क्वायर। ठीक है, यह पांचवा क्वेश्चन आपका है। अच्छा, यदि क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें, छठा क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार देख लीजिएगा,
क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका क्या है कि डी लॉग एक्स के पावर थ्री बटा में डी एक्स, ठीक है बउआ, डी लॉग एक्स के पावर थ्री बटा में डी एक्स, समझिएगा ठीक से। आपको बता दिया है कि यदि फंक्शन लॉग वाला हो और एक्स के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, ठीक है, यदि फंक्शन लॉग वाला हो और एक्स के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए तो करना क्या है कि कांस्टेंट को ऊपर में लिखेंगे और ये जो आपको एक्स दिख रहा है इसको नीचे में लिखेंगे, हो गया इसका डिफरेंशिएशन। कई बार बता चुके हैं ये चीज, ठीक है, कई बार आपको बता दिए हैं ये वाला, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री बाई एक्स के बराबर। आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, बस आप कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, डी साइन क्यू थीटा बटा में डी थीटा। ध्यान से देखिएगा, इधर ये होल पावर वाला फंक्शन है, होल पावर वाला फंक्शन है और एक साइन थीटा है। ये दो प्रकार का फंक्शन यहाँ आपको दिया गया है, एक तो पावर वाला है और एक साइन थीटा है। आपको बता दिए हैं कि जितना फंक्शन होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, सबको गुना में लिखेंगे, ठीक है, और यदि होल पावर वाला फंक्शन होगा तो होल पावर वाला फंक्शन सबका बाप होता है, पहले उसी का क्रिया होगा। होल पावर वाले फंक्शन का क्रिया क्या होगा, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अब पावर में से एक कम कर लेंगे, पावर में तीन था तो एक कम कर लिए, यानी हो गया थ्री साइन स्क्वायर थीटा। तो ये तो होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन हो गया, और साइन का डिफरेंशिएशन बचले है अभी, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर है। चलिए आठवां क्वेश्चन क्या है देखिएगा, डी कॉस स्क्वायर अल्फा बटा में डी अल्फा बराबर, गौर कीजिएगा, यदि बटा में अल्फा ना लिख के एक्स लिख देता तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता, क्यों, क्योंकि ये अल्फा कांस्टेंट की श्रेणी में आ जाता उस समय, समझ में आ रहा है, लेकिन बटा में डी अल्फा लिखा है इसका मतलब है कि अल्फा के सापेक्ष ही आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो अब आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, तो होल पावर वाला है ना, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, पावर में दो था एक कम कर लिए तो एक हो जाएगा इनटू, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो माइनस साइन, इसलिए माइनस को पहले लिख दीजिए, साइन अल्फा, अब आपको मालूम है कि टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर होता है साइन टू अल्फा, ठीक है, देखिए यहाँ पर टू साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा साइन टू अल्फा, तो माइनस साइन टू अल्फा। आप चेक कर लीजिएगा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा इसका सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिख रहा होगा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन ऊपर दिख रहा है नौ नंबर, देखिएगा नौवां सवाल आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार ध्यान से देख लीजिए सभी लोग। सवाल आपका है कि डी टू टेन स्क्वायर एक्स अब बटा में क्या है डी एक्स, ठीक है बाबू, चलिए इसमें दो कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, हवर हवर करके बनाना नहीं है, सीखना है, हवर हवर करके बनाना नहीं है, सीखना है आपको, ठीक ना, क्या कि बोर्ड एग्जाम में आपको ना लिखना है, हमरा लिखना है, हम हवर हवर करके बना दिए, हम ही बना रहे हम ही समझ रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या फायदा उसे लिखाने से, कोई फायदा नहीं है, इसलिए आराम से पढ़ाएंगे, आराम से आपको समझाएंगे, ठीक है, ताकि बोर्ड एग्जाम में जाकर आप लिख के आइए, ठीक है। हाँ चले देखिए, दो को बाहर रखेंगे, अब यहाँ देखिए होल पावर वाला है, पावर को आगे में लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, आप पावर में से एक कम कर लेंगे, देखिए दो तो पहले से बाहर था, ये होल पावर वाला को आगू लिखेंगे, फंक्शन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, पावर में से एक कम कर लेंगे, होल पावर वाला का डिफरेंशिएशन। अब टेन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। चलिए बाबू, दो दूनी चार, टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फोर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा,
फोर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, फोर टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। यह क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। दसवां क्वेश्चन क्या है, देखिए इंटीग्रेशन है किसका, रूट एक्स का, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, सॉरी रूट एक्स का इंटीग्रेशन आपसे पूछा है। इंटीग्रेशन सिंपल होता है, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2। इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करते हैं मालूम है, पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग कर देते हैं, या इसके लिए नया आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं, नीचे वाला को ऊपर में जोड़ कर ऊपर में लिखेंगे तो 2 × 1 = 3 और बट्टा में 2, इसी को पलट कर आगे में लिख देंगे 2/3 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका सी। ठीक है, जिस समय आपको ऑब्जेक्टिव ये सब पढ़ा रहे थे आप लोग कह रहे थे कि बड़ा आसान आसान पढ़ाते हैं गुरुजी, तो ये आसान आसान पूछे थे तो हमारे में की गलती है से बताइए। यदि आपके बोर्ड एग्जाम में या सेंटर एग्जाम में क्वेश्चन आसान आसान पूछा जा रहा है तो इसमें हमारी क्या गलती है, वही तो पढ़ाएंगे ना जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है। तैयारी तो आप बोर्ड एग्जाम का कर रहे हैं, कोनो आप तैयारी एयरफोर्स एनडीए का तो नहीं कर रहे हैं कि आपको ऊपर लेवल का लेके चले, कभी कभी उस लेवल का भी क्वेश्चन आपको बता देते हैं तो खुद उग जाता है आपके ऊपर से है। तो जो लेवल आपका है उस लेवल को ही मेंटेन करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ चूंकि उलूल जुलूल ज़्यादा पढ़ने से अभी आपको जो है बचना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त आपका है ये है बेहतर रिजल्ट के लिए आपको काम करने का। ठीक ना, इसलिए उलूल जुलूल से बचिए। कोई यदि बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा है ठीक है तो फिर वहां पर आपको जाने से बचना है, क्योंकि वो आपके लेवल का नहीं है, वो आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ठीक ना, और उसको पढ़कर आप भ्रमित हो सकते हैं, बोर्ड एग्जाम में आप कम स्कोर कर पाएंगे। जो आपके लेवल का क्वेश्चन होगा कोशिश कीजिए कि आप वही पढ़े। ठीक है, हाँ और लेवल पता कैसे चलेगा, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखकर, बस सिंपल है, उससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर आपका, देखिएगा इंटीग्रेशन है आपका dx बटा में x+1। अच्छा देखिए 1/, इसको यदि सही से लिखेंगे तो क्या आएगा, 1/ में x+1, 1/x का इंटीग्रेशन होता है आपका log x, तो x के जगह पर क्या है x+1, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका c। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है आपका, गौर करेंगे इधर, क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि साइन टू थीटा डी थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कॉस टू थीटा। ठीक है, माइनस कॉस टू थीटा, लेकिन डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि एक्स के साथ जो कॉन्स्टेंट होता है उसको आगू में लिखते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में उल्टा करना है, एक्स के साथ जो कांस्टेंट होगा उसको बटा में लिखना है। ठीक है, उसको बटा में लिखना है बस। हाँ साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जो कोणांक में है ज्यों का त्यों, लेकिन एक्स के साथ जो कांस्टेंट है वो बटा में लिखेंगे। प्लस सी लिखिए या के लिखिए, यहाँ लिखिए चाहे यहाँ लिखिए, एक के बात है, आपके ऑप्शन में यहाँ लिखा गया है तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका के माइनस कॉस थीटा कॉस टू थीटा बाई टू। हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में देख लीजिएगा इसका सही आंसर है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर तेरह देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कहता है सॉरी देखिए 13वां क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन कॉस 5x ठीक है इंटू dx, सिंपल है, अभी आप जस्ट देखे हैं साइन 2x है तो यहाँ कॉस है ना, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो साइन जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। अभी आपको जस्ट बताए हैं कि x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में लिखेंगे, आप प्लस के लिखिए या प्लस सी लिखिए, कांस्टेंट आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14, हाँ इसको आप इधर लिखिए या इधर लिखिए फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, tan 3x dx बराबर, देखिए tan 3x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, tan का इंटीग्रेशन क्या होता है तो log sec x, sec
एक्स के जगह पर जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे, ठीक है। एक्स के जगह पर जो है उसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखिएगा, एक्स के साथ में जो कांस्टेंट आपको दिख रहा है उसको बटा में लिखेंगे और प्लस के लिखेंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका लॉग सेक 3x बटा में 3 प्लस के, लॉग सेक 3x प्लस 3 बटा में के, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिएगा, 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सीमा का मान इसमें 0 से 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए निश्चित समाकलन का भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको बता दिया गया है, और एक मोट बात हम निश्चित समाकलन के लिए आपको बताए थे कि जैसे आपको अनिश्चित समाकलन हम सिखाए हैं आप ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपको अनिश्चित समाकलन सिखाया गया है वैसे इंटीग्रेशन करके खाली एक्स के जगह पर पहले उच्च का मान यानी बड़का मान माइनस देकर छोट का मान रख दीजिएगा, इंटीग्रेशन बन जाएगा, छोटा सा बात है। यदि हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स के पावर 3/3, इसमें सीमा का मान रखना है 0 से 2, 0 रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, और जैसे ही x के जगह पर 2 रखेंगे तो 2 के पावर 3 कितना होता है 8/3, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8/3 के बराबर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक एक करके क्वेश्चन 50 तक अभी हम देखेंगे, हाँ कोई धरबर नहीं करना है, आराम से क्वेश्चन देखिए सीखिए, ठीक है, क्योंकि ये सेंटअप एग्जाम हद नहीं हो गया है, ये तो एक टेस्ट था, मेन एग्जाम तो आपका अभी बाकी है, ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है, कास्टिंग हुआ है, अभी पूरा फिल्म बाकी है, इसीलिए पूरा फिल्म पर तैयार होना है आपको, पूरा फिल्म के लिए तैयार होना है, कास्टिंग के शूटिंग के बाद आराम कीजिएगा, है कास्टिंग के शूटिंग से आपको सीखना चाहिए, आपको उससे कुछ समझना है कि कैसे हो जो होगा आपका फिल्म का आप शूटिंग चलने वाला है, ठीक है ना। हाँ तो आप फिल्म के लिए तैयार होना है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देखिएगा, सीमा का मान आपका है 0 से π/4, राइट, हाँ साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। चलिए साइन का इंटीग्रेशन कॉस, सॉरी साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, माइनस को बाहर रहने दीजिएगा, कॉस ऐसा कीजिए ना, एक्स के जगह पर तो यह सीमा का मान रखना होगा पाई बाई फोर रखना होगा, जीरो रखना होगा, तो रख दीजिए बारी बारी से पाई बाई फोर और माइनस कॉस जीरो, देखिए माइनस को बाहर रहने दीजिए, कॉस 45 का मान होता है 1/√2 और माइनस कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, यानी हो जाएगा 1 - 1/√2, देखिए ना माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 - 1/√2, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 1 - 1/√2। आइए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका, सीमा का मान दिया गया है 0 से 1 e^(x)dx। कई बार ये क्वेश्चन चला दिए, ये सब जितना भी क्वेश्चन आपके सामने पड़ रहा है ना, कई बार ये क्वेश्चन आपको जो है बता दिया गया है, और अभी जो हमारा चल रहा है हर रोज शाम में 7 बजे 25 क्वेश्चन, हर रोज नहीं शनिवार और रविवार शाम में 7 बजे 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर हम आते हैं, ठीक है, जिसका टेस्ट होता है और उसका डिस्कशन उसी टाइम होता है, ठीक है। तो ये सीरीज यदि आप देखे हैं हमारा 5-6 सीरीज ही चला है, तो आप देखे होंगे कि जितना भी सवाल अभी आपके सामने पड़ा है ये टोटल का टोटल क्वेश्चन आपको जो है उस सीरीज में करा दिया गया है, और बचे हुए क्वेश्चन को आने वाले अगले सभी सीरीज में आपको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो बच्चे नहीं जुड़ पा रहे हैं या जिन्हें जानकारी नहीं है तो उन्हें जानकारी दे दे कि हर शनिवार और रविवार शाम में 7 बजे आप सबों के लिए 25 क्वेश्चन का एक हम मॉडल सेट लेकर आते हैं, ठीक है, जिसका उसी समय टेस्ट और उसी समय डिस्कशन हो जाता है, तो आप निश्चित तौर पर उसमें जुड़े सभी, ठीक है ना। देखिए e^(x) का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, e^(x) जो सीमा का मान रख दीजिए 0 से 1, पहले यहां पर x के जगह पर 1 रखना है, तो e^(a)-e^0, देखिए इसके पावर में 1 है तो ज्यों का त्यों, और किसी भी संख्या के पावर 0 उसका मान 1 के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका e-1 के बराबर, ठीक है।
इसका आंसर हो जाएगा ई माइनस वन के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है देखिएगा, क्वेश्चन आपको दिख रहा है ऊपर, बनाने का प्रयास करते रहिए हमेशा सभी लोग। हाँ, रुकना नहीं है, क्वेश्चन देखिए बनाइए हमेशा, क्वेश्चन देखिए और बनाते रहिए, ठीक है। आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है आपके बोर्ड एग्जाम में। आइए, सवाल आपका है 18 नंबर होगा, सीमा का मान दिया गया है 0 से 1 सीधे dx, वाह, यानी इसका इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा। हाँ, अब देखिए x के जगह पर आपको क्या रखना है, तब पहले 1 रखना है, अब माइनस दे के 0 रखना है, 1 में से 0 घटेगा तो कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिएगा, सीमा का मान 0 से 2 x dx, x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2, सीमा का मान कितना रखना है 0 से 2 रखना है ना, तो करेंगे क्या है, पहले 2 रखेंगे, 0 रखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/2, कट गया तो 2, यानी इसका आंसर 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्या है देखिएगा, -2π से 2π, फिर आपका है साइन एक्स और dx, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है, सीमा का मान माइनस ए से ए हो, यानी सीमा का मान सेम टू सेम हो, एगो में माइनस हो एगो में प्लस हो, ठीक है, और यहाँ फंक्शन के रूप में कोई भी बहुपदीय फलन हो उसके पावर में यदि विषम संख्या हो, 0 होगा इंटीग्रेशन, या फिर साइन आ जाए, टैन आ जाए और कौशिक आ जाए, और उसके पावर में भी सम संख्या हो तो उसका भी इंटीग्रेशन 0 होगा, क्योंकि वो एक ऑड फंक्शन होता है ना, वो एक ऑड फंक्शन होता है। तो देख लीजिए ना, यहाँ पर सीमा का मान -π/2 से π/2 है, इसके पावर में 1 है, विषम संख्या है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, ठीक है ना बाबू। चलिए अगला सवाल आपका है, कौन सा क्वेश्चन अभी देखिए, सॉरी, ये क्वेश्चन जो आपका बन गया ना, ये 21 नंबर बन गया है, 21 नंबर गलती से 21 नंबर बन गया, आप 20 नंबर बना देते हैं, गलती से 21 नंबर बन गया, आप 20 नंबर बना देते हैं, इधर मिटा के बनाते हैं। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, क्वेश्चन आपका है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर -1/2 एक्स स्क्वायर +1 dx, गौर कीजिएगा, यहाँ बटा में एक्स प्लस वन है, और ये क्वेश्चन जो है एग्जाम से एक दिन पहले ही हम आपको बता दिए थे। देखिए, इसको चेंज करेंगे तो क्या होगा, इसका स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी इंटू में हो जाएगा आपका a प्लस बी, ठीक है, और बटा में क्या हो जाएगा, तो x प्लस वन। अब यहाँ पर देखिए, x प्लस वन से x प्लस वन कट गया, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई टू, अब माइनस 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा x, अब प्लस में c लिखिए या k लिखिए, ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस के, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लेते हैं, क्योंकि 21 यहाँ हो गया है ना, यहाँ पर 21 हो गया है, तो 22 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, इंटीग्रेशन है आपका -π/3 से π/3, वही है सवाल कि माइनस ए से ए, और यहाँ आपका है टेन एक्स डी एक्स, आपको क्या बोले हैं ध्यान से देखिएगा, कि यहाँ पर साइन आ जाए या फिर टेन आ जाए या फिर कौशिक आ जाए, पावर में विषम संख्या हो, पावर में विषम संख्या हो, इंटीग्रेशन 0 के बराबर क्योंकि ऑड फंक्शन है, ठीक है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 0 के बराबर होगा, शर्त है कि सीमा का मान सेम टू सेम होना चाहिए, यहाँ माइनस होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, बस बस इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका क्या है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 को हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है, 23 इंटीग्रेशन e के पावर x
माइनस ई के पावर माइनस एक्स, ठीक है, ई के पावर माइनस एक्स, और इसके बाद हो जाएगा आपका बटा में ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। थोड़ा सा गौर करेंगे, नीचे वाला फंक्शन को यदि आप डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यदि इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन आपको ऊपर में दिख रहा है, ठीक है। देखिए ना, ई के पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई के पावर एक्स, और ई के पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा माइनस ई के पावर माइनस एक्स। तो यदि ऐसा आ जाए कि नीचे वाले फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन पूरा का पूरा ऊपर में दिख जाए, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लॉग और बट्टा वाला, बट्टा वाला, बट्टा में क्या है, तो ई के पावर एक्स प्लस ई के पावर माइनस एक्स और प्लस में सी, ठीक है। अभी तक आप देखे होंगे कि क्वेश्चन हम 23 को बना दिए, लेकिन किसी भी क्वेश्चन में दो लाइन से ज्यादा क्रिया नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन में एक लाइन और कभी कभी दो लाइन क्रिया करते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब यही होता है कि आप किसी भी सवाल को एक से दो लाइन में ही कंप्लीट कर ले तो आप ऑब्जेक्टिव में बेहतर से बेहतर मार्क्स कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसा तभी कर पाएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट मालूम होगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज अ पावर, कॉन्सेप्ट ही पावर है, और उसी से सवाल आप बना सकते हैं, अन्यथा आप लटक ले रह जाइएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखिएगा। सवाल आपका है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा में एक्स स्क्वायर, ऐसा करते हैं ना कि गुणे कर देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को वन बटा एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे कट जाएगा तो वन हो जाएगा इंटू डी एक्स, ठीक है ना बउआ। अब देखिए कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, तो एक्स के पावर तीन बट्टा में तीन और माइनस एक्स और प्लस में सी, इसका एक्स के पावर तीन बट्टा तीन माइनस का माइनस एक का इंटीग्रेशन एक्स और प्लस में सी। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा कितना है, 6 बाहर में है और रूट अंडर है, 0 से 1 है पहले सीमा का मान, ठीक है, और यहाँ है रूट अंडर एक्स, तो एक्स को लिख सकते हैं पावर में वन बाई टू इंटू डी एक्स। चलिए 6 को बाहर रहने दीजिए, एक्स के पावर में कितना हो जाएगा 3/2, यहाँ हो जाएगा 2/3, इसका इंटीग्रेशन अभी जस्ट किए हैं, ठीक है, ये कट गया क्या बार, दो बार, सॉरी ऊपर में दो, यहाँ पर दो, ठीक ना, यहाँ सीमा का मान जो है आपको इसमें रखना है, एक्स के जगह पर ना 0 से 1 रखना है। चलिए ये हो जाएगा आपका 4 2 2 4, एक्स के जगह पर 1 रखेंगे, 1 के पावर 3/2 तो उसका मान 1 के ना हो जाएगा, आ 0 रखने से कोई फायदा नहीं है, 4 को 1 से गुना करेंगे 4 ही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है इधर, हाँ देख लीजिए, ठीक है, तो है क्वेश्चन नंबर 26 आपका है कि 2dx बटा में रूट अंडर 1 - 4x2। अच्छा 4x2 को थोड़ा सा चेंज करके यदि लिखे, 4x2 को चेंज करके लिखे तो क्या हो जाएगा, 2x का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, टेक्निक समझिए, ऐसे सवाल को बनाने के लिए तो फिर क्रिया करने लगिएगा, लेकिन आपके गुरुजी कहते हैं कि क्रिया ना कर चला, ज़्यादा क्रिया कहला करना है, फिर सब्जेक्टिव के लिए टाइम बचा ले। हाँ टाइम बचेगा कैसे, समझिए ठीक से, इधर बनाते तो सब है, हम आपको बार बार कह रहे कि क्वेश्चन बनाता तो सब है, आप भी चाहिएगा तो 100 क्वेश्चन को बना लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप भी चाहेंगे आराम से बना लेंगे 100 क्वेश्चन को, हर विद्यार्थी चाहेगा तो बना लेगा, लेकिन समय से पहले कौन बनाता है, ठीक है, समय पर कौन बनाता है ये देखने वाली बात होती है एग्जाम में, अन्यथा बनाने के लिए तो आप दिन भर में आराम से क्वेश्चन को बना लीजिएगा, 3-4 घंटा का टाइम लगेगा, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना, लेकिन वो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने में 30 से 35 मिनट का वक्त कौन लगाता है, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही चलते हैं, है तो 100 लेकिन आपको 50 की बात कर लेते हैं, तो उतना बनाने में 30 मिनट का समय कौन लेता है, 20 मिनट का समय कौन लेता है, मैंने ये रखता है, ठीक ना। हाँ देखिएगा टाइम कैसे बचेगा, अच्छा देखिए यदि इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन 2 के बराबर होगा, तो 2 से 2 आपका कट गया, बात खत्म, तो बच गया कितना, यहाँ बच गया 1 - y² या 1 - जो भी कहिए, 1 - y², तो 1/√ 1 - y² का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स वाई, वाई के जगह पर कितना है 2x हो गया प्लस सी, देखिए कितना आसानी से बन गया इंटीग्रेशन, साइन इनवर्स 2x बटा में कितना सी, सॉरी प्लस सी, साइन इनवर्स 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका सी। आइए अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? 27, थोड़ा सा ध्यान देंगे इधर, 3 को बाहर करके रखा है, dx बटा में 1 प्लस 9x स्क्वायर को लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। हाँ, अब यदि 3x को आप मानते हैं और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, है? जब 3 से 3 कट जाएगा तो कती बचेगा, यहाँ y माने हैं तो y स्क्वायर, यानी 1 बटा में 1 प्लस y स्क्वायर बराबर क्या होता है, tan इनवर्स y की जगह पर कितना है, 3x प्लस c। लीजिए आंसर, 3x प्लस c, इसका हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि इंटीग्रेशन 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, अच्छा 1 बटा कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं क्या, इसको सेक स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है मालूम है, सेक स्क्वायर एक्स 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स, यानी सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा आपका सी। आइए क्वेश्चन नंबर 29 को देखेंगे, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिएगा, 4 को बाहर रखा है, सीधे डी एक्स, 4 ज्यों का त्यों, यहां हो जाएगा आपका एक्स और प्लस में सी। अगला क्वेश्चन आपका है 30 नंबर क्या है, तो डी 2k पावर x बटा में डी एक्स, गौर करेंगे ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, अब आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए के बराबर, ये 30 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं, मिटा लेते हैं थोड़ा सा, आपको ऊपर दिख रहा है क्वेश्चन, बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार 31 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है, हाँ ऊपर में क्वेश्चन दिख रहा है, बनाने का प्रयास कर लीजिए एक बार फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देखिएगा, कहता है कि अवकल समीकरण x dx प्लस y dy बराबर में 0, ऐसा कीजिए ना, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा, कितना हो जाएगा x dx बराबर माइनस y dy, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए, बस इसका हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, और बराबर इधर हो जाएगा आपका माइनस y स्क्वायर बाई 2, ये देखिए माइनस वाला इधर प्लस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, या बराबर में सी, बराबर में सी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y स्क्वायर बाई 2 बराबर सी, ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, इसका लॉस कितना हो जाएगा 2 ना, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर सी, ये क्रॉस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 2c, और 2c कॉन्स्टेंट है तो सबके बदला में सी ही लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर सी, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर सी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपल है, dx बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी हो गया 1 बटा में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका हो जाता है 1 बाई 2 ए के जगह पर 2 है ना, 1 बाई 2 ए लॉग एक्स माइनस ए बटा में एक्स प्लस ए प्लस सी, यानी 1/4 लॉग एक्स माइनस 2 बटा में एक्स प्लस 2, ऑप्शन नंबर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका है क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, इंटीग्रेशन है आपका dx बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, यानी 1 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 बाई ए के जगह पर 3, और tan इनवर्स x बटा में ए, तो ए के जगह पर कितना है 3 ना,
इसका हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x बाई थ्री या प्लस में c, 1/3 tan इनवर्स x बाई थ्री प्लस कितना हो जाएगा c, जो कि आपके ऑप्शन नंबर c में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 34 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा इधर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहां पर कह रहा है 3i.4j। गौर कीजिएगा, ये i कैप है और ये j कैप है। आपको हम पढ़ाए हैं i कैप j कैप वाला कॉन्सेप्ट, आपको बता दिए टोटल डॉट प्रोडक्ट का टोटल कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, जरूर देख लीजिएगा, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको एक ट्रिक बता दिए हैं कि यदि सेम टू सेम होगा तो एक के बराबर, और यदि अलग अलग होगा तो जीरो के बराबर, बस इतना ही याद रखना है। तो ये दोनों अलग अलग वाला है ना, इसलिए इसका हो जाएगा आपका जीरो के बराबर। इसके बाद देखिएगा अगला है आपका, ये 34 नंबर था। अब 35 नंबर क्या है देखिए, 7j कैप और 3k कैप। यहां देख लीजिए, जे और के अलग अलग है ना, इसलिए जीरो के बराबर। इसके बाद हो जाएगा आपका 36 नंबर कि 2i.-4j+5k। गौर कीजिएगा, पहले इसको इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3×6 i कैप i कैप, तो इसका मान 1 के बराबर। अब इसको गुना करेंगे तो 4×2 8 आई जे, जीरो के बराबर। अलग अलग हो जाएगा ना, i जे अलग अलग हो जाएगा तो जीरो के बराबर, और फिर i को गुना करेंगे k से तो अलग अलग हो जाएगा तो जीरो के बराबर। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका सिर्फ 6 के बराबर। ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है इसका आंसर 6 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है देख लीजिएगा, i-j.2i-3j। ठीक है, बस सिंपल डॉट प्रोडक्ट है, गुना करना है ना, i वाला को i वाला से, j वाला को j वाला से, बात खत्म। 2 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2, यहां माइनस, यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, और 3×3 यानी हो जाएगा आपका 3×2 5। इसका आंसर हो जाएगा 5 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिखेगा, देख सकते हैं क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। 38 नंबर क्वेश्चन ये आपको मापांक निकालने के लिए कह रहा है, नहीं हाँ मापांक निकालने के लिए कह रहा है कि i कैप+2j कैप+2k कैप का मापांक क्या होगा। मापांक के लिए वेरी सिंपल, रूट अंडर सभी अंकों के वर्गों का योगफल, इसका वर्ग इसका वर्ग इसका वर्ग का योगफल, 4 4 कितना हो जाएगा, 4×4 8 = 9 यानी 9, और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3 के बराबर। ठीक है, 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 38 आपका है। अब ये क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है देखिएगा, सीमा का मान है 0 से 2 √t और dt। सिंपल है, रूट वाला का मतलब होता है पावर में 1/2। कितना बार अभी आप इस तरह के क्वेश्चन को देख लिए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा t³/3/2, आगे में हो जाएगा 2/3। अब बस यहीं पर आपको रखना है 0 से कितना 2 ना, चलिए 2/3 ज्यों का त्यों, टी के जगह पर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2³/3/2। आज जैसे ही टी के जगह पर 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 2/3 × 2³/3/2 का मतलब होगा 2×1/2 ना। अब कितना हो जाएगा, 2×2 = 4 √2/3, इसका हो जाएगा आपका 4√2/3। इसका आंसर हो जाएगा आपका 4√2/3, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है। ध्यान से देखेंगे, एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है, हाँ एकदम ध्यान से देखते रहेंगे, एक भी सवाल इधर उधर नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखिए 40 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, 40 नंबर देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 40 आपको ऊपर दिख रहा होगा, देख लीजिएगा क्या कहता है। देखिए ए का दिया गया है, ए वेक्टर बराबर है आपका 2i कैप + 2j कैप और -5k कैप,
और बी वेक्टर बराबर आपका है 2i कैप + j कैप + 3k कैप। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मापांक पूछ रहा है, माने दोनों को जोड़ कर और उसका मापांक पूछ रहा है। तो पहले दोनों को जोड़िए, 2 × 4i कैप, 2i 3j कैप, आई घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -2k कैप। अब इसका मापांक निकालना है तो रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल 16 + 3 का स्क्वायर 9 + 4, 16 × 9 = 25, 4 = 29, यानी रूट अंडर कितना हो जाएगा 29। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, रूट अंडर 29 इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, सी में आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, सदिश इतना की दिशा में इकाई सदिश 2i कैप - 3j कैप की दिशा में इकाई सदिश। सिंपल है, इकाई सदिश निकालना है ना, बस करना क्या है ध्यान से देखिए, बस इसी का केवल निकाल देना है आपको मापांक, यानी 4 + 9 रूट अंडर कितना 13 ना, इसका हो जाता है इकाई सदिश 1/13 × 2i कैप - 3j कैप, यानी सदिश को ज्यों का त्यों लिखेंगे, 1/ मापांक लिखेंगे, हो गया उसका इकाई सदिश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 42 नंबर। यहां पर दिया गया है कि अवकल समीकरण इतना का व्यापक हल क्या है, देखिएगा dy/dx + y = 2। अब इसका फंडामेंटल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, पहले समझ लीजिएगा करना क्या है। सबसे पहले तो हम निकालेंगे if का मान, ठीक है, जिसको समाकलन गुणांक बोलते हैं। सिंपल है, समाकलन गुणांक निकालना है तो क्या हो जाएगा, e के पावर में y के साथ जो आपको कांस्टेंट दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन, एक है तो एक का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सीधे dx लिखेंगे, यानी हो जाएगा e के पावर x। अब देखिए कैसे हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला है कि y(if) = q(if dx। देखिए इसमें if का मान आपके पास है और q का मान ये होता है, तो y(if) के जगह तो हो जाएगा e के पावर x बराबर में, q के जगह 2 कांस्टेंट है बाहर करेंगे, if के जगह हो जाएगा e के पावर x (dx), ये हो जाएगा आपका y = e के पावर x (2×e के पावर x), ऐसा ही ना, 2×e के पावर x, और इसके बाद आपका हो जाएगा प्लस में c कांस्टेंट। अब देखिए e के पावर x इधर गुणा में उधर भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2×e के पावर x / e के पावर x और प्लस c/e के पावर x, ये e के पावर x से कट जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 + पावर नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, e के पावर -x (c), तो c के जगह पर कांस्टेंट a लिखा है, इसका आंसर हो जाएगा आपका y = 2 + a (e के पावर -x। ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिएगा, हाँ ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई, 42 के बाद 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या है, यहां पर दिया गया अवकल समीकरण, तो इसका समाकलन गुणांक पूछ रहा है। अवकल समीकरण है आपका dy/dx - 3y = cos x, पूछ रहा है इसका समाकलन गुणांक, बस इसको लिख देना है खाली समाकलन गुणांक में, क्या e के पावर में -3dx ना, इंटीग्रेशन करना है तो हो जाएगा e के पावर में -3x। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ये 43 नंबर क्वेश्चन है। अगला आपका यह है 44 नंबर क्वेश्चन, क्या है 7i × (2k)। देख लिया, आपको बताए थे ये वाला रोटेशन कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट हो तो ये वाला रोटेशन याद रखिएगा, ठीक है i j k। अब आप चेक कर लीजिए क्या है, i के बाद k है, रोटेशन उल्टा है ना, तो इसका हो जाएगा 7 × 2 = 14 j, लेकिन आगे माइनस लग जाएगा, आई के तो जे उल्टा चल रहा है इसलिए आगे माइनस लग जाएगा, तो -14j जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 45 आपका, देखिएगा इधर क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, 3x
माइनस टू वाई प्लस फोर जेड बराबर हो जाता है आपका 7। कहता मूल बिंदु से दूरी, जब भी मूल बिंदु से दूरी पूछेगा ना तो इसको ऊपर में रखिएगा, डी वाला है, इसको ऊपर में रखिएगा, ठीक है, इसको ऊपर में रखिएगा, बाकी बट्टा में रूट अंडर सभी के अंकों के वर्गों का योगफल 9 + 4 + 16, 16 × 4 = 29, यानी हो जाएगा 7/√29, 7/√29, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 यहां पर कह रहा है कि तल इतना और इतना के बीच का कोण क्या होगा। देखिएगा, दो गो आपको समीकरण दिया गया है और कह रहा है दोनों के बीच का कोण क्या होगा। अभी आराम से आप समझ लीजिएगा, ऐसे ये 3D का सवाल है, इसमें आ गया है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। x − y + z = 17 और दूसरा आपका है 2x + 4y + 3z बराबर में 3, दोनों के बीच का कोण कह रहा है। पहले सभी x वाला अंक को x वाला से गुना, y वाला से, z वाला से गुना करके ऊपर लिख दीजिएगा। एक को 2 से गुना करेंगे 2, ठीक है, ये cos थीटा बराबर होता है। एक यहाँ 2 को 1 से गुना करेंगे 2, यहाँ +4 को -1 से गुना करेंगे -4, ये हो जाएगा आपका 3 × 3 ना। अब बट्टा में क्या हो जाएगा तो रूट अंडर दोनों के वर्गों का योगफल 1 1 1, तो इसका हो जाएगा कितना, 1 के स्क्वायर -1 के स्क्वायर 1 के स्क्वायर, तो 3 ना होगा और रूट अंडर इसका हो जाएगा 4 16 9, तो हो जाएगा 16 × 4 = 29, ठीक है। तो cos थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना, 3 × 2 = 5 में से 4 घट गया, तो 1/2 में हो जाएगा आपका रूट अंडर 9 × 3 = 27 के साथ हासिल दो 3 × 9 = 2 = 8 87। थीटा का मान निकालना है, इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स हो जाएगा 1/√87। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। कहता है कि 2 का 47 नंबर क्वेश्चन, 3 − 2 = 8 द्विक अनुपात वाले रेखा की द्विक कोज्या, सिंपल है, यहाँ द्विक अनुपात दिया गया कितना 3 − 2 = 8, द्विक कोज्या कह रहा है ना, सबके बट्टा में इसका मापांक, तो 9, मापांक निकालने के लिए रूट अंडर 3 के स्क्वायर 9, 2 के स्क्वायर 4, 8 के स्क्वायर 64, तो 64 × 4 = 70, 70 × 9 कितना हो जाएगा 79 ना, सॉरी ये ना है 64, तो 64 × 4 = 68, 68 × 9 77, सबके बट्टा में लिख देना है खाली, बस 77, इसके बट्टा में भी 77 और इसके बट्टा में भी 77, हो गया आंसर। देख लीजिए 47 नंबर 48 नंबर पूछ रहा है कि 5i − j + 2k और बीच में डॉट दिया है 2i + 2j − 4k, ठीक है। यहाँ पर देखिए i वाला को i वाला से j वाला को k वाला से 5 × 2 = 10 चिन्ह के साथ गुना −1 + 2, तो हो जाएगा −2, और यहाँ करेंगे तो ±−4 × 8, ये हो जाएगा आपका 10 में से 10 घट गया तो कितना हो जाएगा 0, इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या है, 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 मिटाते हैं इसको और क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 x × e^3x, ठीक है, x × e^3x सिंपल है, × dx, ये खंडा समाकलन पर जाएगा, ठीक ना, पहला को बाहर रखेंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस, देखिएगा यहाँ पर दूसरा का इंटीग्रेशन इंटू पहला का डिफरेंशिएशन, पहला क्या है एक्स ना, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, हो तो गया बात खत्म, यहाँ हो जाएगा आपका e^3x कॉमन ले लेंगे, e^3x/ 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x − 1 + c, यही ना होगा, e^3x/3x कॉमन लेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन और ये अंतिम क्वेश्चन है आज के सेट का, 3i
और माइनस टू जे और प्लस फाइव के, इसके साथ डॉट दिया है, टू आई कैप माइनस टू जे कैप और माइनस टू के कैप। चलिए गुना कर लीजिए फटाफट से, आई वाला से जे वाला को जे वाला से, के वाला को के वाला से, छ प्लस हो जाएगा चार और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका दस है, क्या ना भले हो छ प्लस चार माइनस दस, तो छः चार दस में से दस घट गया जीरो, इसका आंसर हो जाएगा ए के बराबर। ठीक है, इस तरीके से 50 क्वेश्चन जो है आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चे, 50 क्वेश्चन को एक वीडियो में और कंप्लीट कर लेंगे, हर वरी कोई बात का नहीं है, एग्जाम खत्म हो गया है, बस हम लोग को देखना है कि बोर्ड एग्जाम में किस तरीके क्वेश्चन पूछ रहा है और उसको बनाना कैसे। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।